आज मैं तुम्हें बताऊंगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का एडवांटेज ये है कि पहला एडवांटेज इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एल वन एंड आर वन आर वेरी आर सिंपल। तो इक्वेशन जो हमने निकाली थी एल वन एंड आर वन कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया है, वो ज़्यादा उसमें कोई झमेला नहीं करना पड़ा था, हमने बहुत आसानी से इसे निकाल लिया था बैलेंस कंडीशन का यूज करके। सेकंड पॉइंट है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड कैपेसिटर इज मच सिमिलर इन साइज देन स्टैंडर्ड इंडक्टर, यानी कि इनके साथ मच सिमिलर हैं, सिमिलर के साइज़ के होते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटर और स्टैंडर्ड इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी से फ्री होते हैं, दे डू नॉट कंटेन फ्रीक्वेंसी एंड एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज है स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस इज कॉस्टली, यानी कि बहुत ही महंगा आता है स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस, जो हमने कैपेसिटेंस लगाया था वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है। और इसका क्वालिटी फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है ओमेगा सी फोर आर फोर, ये कैसे निकला आप तुम सोचोगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए ओमेगा एल वन अपॉन में आर वन इसका यूज़ करते हैं। एल वन की वैल्यू तुम्हें मालूम है, आर वन की तुम्हें वैल्यू मालूम है, एल वन की वैल्यू आर टू आर थ्री सी फोर आर फोर एंड आर वन की वैल्यू है आर टू आर थ्री, आर टू आर थ्री कट जाएगा और ओमेगा सी फोर आर फोर बचेगा, ओमेगा सी फोर आर फोर बचेगा, ये क्वालिटी फैक्टर हो गया तुम्हारा। तो ये मैंने तुम्हें आर वन एल वन की वैल्यू निकाल के बताई थी, इसमें देख तुम देख सकते हो कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया था, और समझना है तो तुम इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का, और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे हेज ब्रिज। तो गेट स्टार्ट।